विवेक रंजन अग्निहोत्री, जिसका नाम कश्मीर फाइल्स के बाद, क्योंकि वो इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इन शॉर्ट मेकर कह लो, इस मूवी ने रियल लाइफ को सच्चाई के साथ सामने रखा और लोगों ने इस मूवी को बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी दिया। अभी वही मेकर्स वापस आए हैं एक और रियल लाइफ इवेंट को सामने लेकर, जिसका नाम है द वैक्सीन वार। ट्रेलर आ चुका है तो आइए फटाफट बात करते हैं। द वैक्सीन वॉर के ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज में शो चलाए गए थे, वहाँ पर काफी सारे पॉजिटिव रिव्यूज आए हैं। इन रिव्यूज को शब्दों के साथ जोड़कर ट्रेलर में एड किया गया है। अगर आप ट्रेलर देखोगे तो बीच बीच में इंस्पायरेशनल, मास्टरपीस, इमोशनल ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। नीचे लिखा गया है कि ऑडियंस रिएक्शन, बट पूरा ट्रेलर देखा मैंने, लेकिन ट्रेलर से फिलहाल कोई मुझे फीलिंग नहीं आ रही कि इमोशनल है या मास्टरपीस। वो मैं मूवी देखने के बाद ही डिसाइड करूंगा, बट अभी नहीं। बट ये मूवी एक रियल लाइफ इवेंट को सामने जरूर रखेगी। जब 2019-20 में हमारे पास यहाँ कोविड फैल रहा था पेंडेमिक के चलते, तो हर कोई यही सोच रहा था कि आगे हमारा होगा क्या। उस वक्त लोगों में एक ही बात की चिंता थी कि अगर वैक्सीन लगाए तो लगाए कौन सी और क्यों, तो उससे फायदा होगा भी कि नहीं, ऊपर भारत से वैक्सीन बना पाएगा या नहीं, इस पर भी सोशल डिबेट हो रहे थे। तब भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाई थी, लेकिन उसके पीछे उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े और किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इवन इमोशनली भी, वो इस मूवी में दिखाया जाएगा। ये मूवी एक मेडिकल थ्रिलर होगी, जिसमें बहुत सारी अंदरूनी बातें जिनको आम पब्लिक नहीं जानती, ऐसी बातें सामने लाई जाएंगी। इवन पेंडेमिक के दौरान किस तरह से साइंटिस्ट और डॉक्टर्स अपने जान के साथ खेल गए थे, शायद उस पर भी फोकस किया जाए। इस फिल्म को इंडिया में इंडियाज फर्स्ट बायोसाइंस फिल्म कहा जा रहा है, ताकि लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट हो। अब देखो भाई, मूवी का जो टॉपिक है वो बहुत सीरियस है, तो डोंट एक्सपेक्ट एनी मसाला कंटेंट। अगर मूवी रियलिटी को सच में रियलिटी की तरह दिखा देती है, कश्मीर फाइल्स की तरह, तो लोग भी इस मूवी को भर भर के प्यार देंगे कश्मीर फाइल्स की तरह। ऊपर से बहुत दिनों बाद नाना पाटेकर किसी सीरियस रोल में देखने को मिल रहे हैं और बाकी की कास्ट भी बहुत अच्छी है। मेरी एक्सपेक्टेशन तो फिलहाल तो बहुत हाई है इस मूवी को लेकर, जो 28 सितंबर को आ रही है। तो अब सलार पोस्टपोन हो गई है, तो वैक्सीन वार के शोज अपने आप ही बढ़ जाएंगे, तो उसका फायदा भी वैक्सीन वार को होगा। बाकी अगर आपने ट्रेलर देखा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। बाकी लाइक और सब्सक्राइब करें, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।